भाई, देखते पहले साला हमारी जिंदगी। वाराणसी में जिला जेल और सेंट्रल जेल आज दोनों की चेकिंग कराई गई थी। दोनों में ही लगभग 4:15-4:30 के बीच में अधिकारियों की टीम भेजी गई थी, जिसमें हमारे ADCP और ADM मौजूद थे। काफ़ी संख्या में फोर्स भी भेजी गई थी। ये औचक निरीक्षण दोनों जेल का करवाया गया है, क्योंकि कई बार शिकायतें आती रहती हैं, तो वो शिकायतें ना आए और उनका वेरिफिकेशन हो सके, इसीलिए यहाँ पर फोर्स भेज के औचक निरीक्षण करवाया गया, बैठकों की चेकिंग करवाई गई। और इसी के साथ जो रूटीन के कार्य होते हैं, जैसे अस्पताल है, उनका जो मेस है, खाने के स्थान हैं, सफाई के स्थान, नहाने कपड़े धोने के स्थान, वो सारे भी चेक कराए गए हैं। और लगभग 1.25 घंटे यहाँ इंस्पेक्शन चला है, और इंस्पेक्शन चलने के बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई गई है जो किसी प्रकार से इरेगुलर हो या किसी प्रकार से इलीगल एक्टिविटी चलाई जा सके। इसी प्रकार से सेंट्रल जेल की टीम है, वो भी इंस्पेक्शन कर चुकी है, और वहाँ भी कोई अनटॉवर्ड इंसिडेंट नहीं पाया गया। जेल के अधिकारियों ने कोविड में जो अच्छा कार्य किया है उसको भी देखा गया, और बाकायदा कैदियों के द्वारा भी फीडबैक ली गई है, काफ़ी लोगों के द्वारा इसकी प्रशंसा की गई है। आगे भी ऐसे ही काम करने के लिए कहा गया है, और क्योंकि अभी पेशी बंद है, बाहर आना जाना कैदियों का बंद है, यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, तो इसी को और आगे इंकरेज करने के लिए कहा गया है कि सारी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराएँ, ताकि कैदी बाहर से आकर संक्रमित ना हो सकें। और किसी प्रकार की इरेगुलर एक्टिविटी जैसे मोबाइल फ़ोन आदि जो प्रतिबंधित है, उसका प्रयोग यहाँ पर ना होने दिया जाए।